दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जो फ़ायदे मैं आपको बताने वाला हूं, उसे सुनकर आपको ऐसा ही लगेगा कि आखिर आज तक मैंने हल्दी पानी पीना शुरू क्यों नहीं किया। दोस्तों तो चलते हैं हल्दी पानी पीने के फ़ायदे बताने की ओर, तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हल्दी में लिपोपॉलीसेचराइड होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज़्यादा गुना बढ़ा देता है और इसलिए आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस, जैसे आपको अगर सर्दी या खांसी या फ्लू हो जाती है तो ये वायरल अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस को कम कर देता है। दोस्तों तो हल्दी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला बहुत अच्छा तत्व है। दोस्तों अगला फ़ायदा जो हल्दी का ये होता है कि हल्दी आपके शरीर की जो हीलिंग प्रोसेस है, यानी किसी भी घाव को या किसी भी चोट को या किसी भी एलिमेंट को हील करने का, ठीक करने का जो प्रोसेस है, उसको बहुत तेज़ी से स्पीड अप कर देता है। इसके कारण आपका हीलिंग प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाता है और किसी भी चोट सूजन से आप जल्दी उबर जाते हैं। दोस्तों हल्दी जो है वो किसी भी इन्फ्लेमेशन को होने से रोकता है। आप जानते होंगे कि आपके जॉइंट्स में, जोड़ों में जो इन्फ्लेमेशन होता है वही आपके जॉइंट्स के टिश्यूज़ को डैमेज करता है, आगे चल के आपका जॉइंट पेन का कारण बनता है और आगे चल के जब ये बहुत बढ़ जाता है तो आर्थराइटिस का कारण बनता है। हर कोई जानता है ये जोड़ों में जो इन्फ्लेमेशन होता है वही आर्थराइटिस का मेन कारण है और हल्दी इसी चीज़ को रोक देता है। दोस्तों तो अगर आप हफ्ते में 3 बार भी सुबह सुबह हल्दी पानी पीते हैं तो आपको आर्थराइटिस कभी नहीं होगा। दोस्तों हल्दी जो है वो एंटी कैंसर एलिमेंट है। आप चाहें तो गूगल कर लें, आप चाहें तो विकिपीडिया पे पढ़ें, क्योंकि हल्दी में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसीलिए अगर आप हल्दी पानी पीते हैं, हल्दी पानी कंज्यूम करते हैं सुबह सुबह, तो आप किसी भी तरह के ट्यूमर को, जो कैंसर बन सकता है, ऐसा ट्यूमर जो रेडिएशन के द्वारा आपके शरीर में आ रहा है, इसको बढ़ने से रोकता है। यानी अगर आप हफ्ते में 3 या 4 बार हल्दी पानी पीते हैं तो भविष्य में किसी भी तरह के कैंसर से बचने के चांसेस आपके 99% हो जाते हैं। दोस्तों आप जानते हैं आजकल के लाइफस्टाइल में, मोबाइल रेडिएशन के युग में और भी तरह तरह के खाद्य पदार्थ में मिलावटों के कारण हम कैंसर के सर्वाधिक रिस्क पे हैं। तो इससे अच्छा होगा कि हम अपना आर्मर खुद क्रिएट कर लें, हम अपना कवच खुद बना लें हल्दी के रूप में। दोस्तों हल्दी जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ने से रोकता है, यानी घटाता है। ये आपका खून गाढ़ा होने से बचाता है। चूंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है इसलिए स्ट्रोक्स या हार्ट डिजीज के पेशेंट्स को हल्दी पानी पीने की सलाह दी जाती है। तो इसीलिए अगर आप हल्दी पानी पीते हैं तो स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक टाइप की चीज़ों से आप अपने खतरे को कम कर रहे हैं। दोस्तों हल्दी का एक और फंक्शन है, हल्दी आपके गॉल ब्लैडर में जाकर बाइल फ्लो को बढ़ा देता है, जिससे जो भी आप फैट लेते हैं, जो भी वसा आप अपने शरीर के अंदर लेते हैं, इसका ब्रेकडाउन आसानी से हो जाता है। इसलिए आपका पाचन भी सुचारू रूप से होता है, कोई भी खाना आप अच्छे से पचा सकते हैं और बाइल फ्लू के ज़्यादा होने के कारण आप किसी भी तरह के फैट को अच्छे से ब्रेक कर पाते हैं ताकि ये फैट आपके शरीर में एकुमुलेट ना हो पाए। तो आप मोटापे से अगर बचना चाहते हैं तो उनके लिए भी हल्दी बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों हल्दी का एक बहुत बड़ा फंक्शन है कि वो लिवर फंक्शन को बूस्ट करता है, यानी आपके लिवर में जो टॉक्सिन्स हैं उनको दूर करता है। इसीलिए अगर आप हल्दी पानी पीते हैं तो किसी भी तरह के लिवर संक्रमण से आप पूरी तरह से बच जाते हैं। इसीलिए अगर आप लिवर के किसी भी, फ्यूचर में किसी भी तरह के रोग से बचना चाहते हैं तो हल्दी पानी पीना शुरू कर दें। दोस्तों हल्दी पानी अगर पीना है तो किस तरह से पीना है और कब पिए, तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, 1 गिलास पानी में आधा टीस्पून, यानी एक छोटी चम्मच का भी आधा हिस्सा
हल्दी आपको मिलाकर पीना है सुबह सुबह जैसे ही आप उठते हैं। उसके बाद आधे घंटे तक कुछ न खाएं ताकि अपना कार्य सुचारू रूप से अपने शरीर में कर सके। दोस्तों, अगर आप बेस्ट रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आप इस पानी को हल्का गर्म कर दें, हल्के वार्म वाटर में ये चमत्कारिक इफेक्ट लाता है। दोस्तों एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि किन लोगों को हल्दी नहीं पीनी चाहिए। तो दोस्तों, प्रेग्नेंट वुमेंस को हल्दी पानी नहीं पीना चाहिए जब तक वो प्रेगनेंसी के दौर से ना गुजर जाएं। स्टोमिक अल्सर जिनको है उनको भी डॉक्टरी सलाह ले लें, क्योंकि ये रिकमेंडेड नहीं है कि वो हल्दी पानी पिएं। और साथ ही साथ गॉल ब्लैडर में अगर आपके स्टोन है तो भी हल्दी पानी पीना रिकमेंडेड नहीं है। दोस्तों, आप भी कम से कम हफ्ते में 3 बार सुबह सुबह हल्दी पानी का सेवन करें और भविष्य में आने वाले किसी भी रोग से लड़ने के लिए अपने शरीर को तैयार करें। क्योंकि दोस्तों, हमारे शरीर में खुद ही सेल्फ रिपेयर की क्षमता होती है, तो हम क्यों दवाओं के चक्कर में जाएं, अपने शरीर को क्यों न इस तरह से बनाया जाए कि वो खुद ही किसी तरह के रोग से लड़ सके। और इसमें पहला प्रयास, पहला कदम हल्दी पानी है जो अमृत के समान है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने फ्रेंड्स तक, अपने कलीग्स तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो भी इस फायदे को ले सकें, अपना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।